पीपीएस स्वामी नारायण मंदिर की, जहां गुजराती नववर्ष के मौके पर आयोजित अन्नकूट परंपरा के तहत भगवान स्वामी नारायण को 1500 व्यंजनों का भोग लगाया गया। मेवे, मिठाइयां, रसीले ताजे फल, केक और चॉकलेट समेत सैकड़ों व्यंजन तस्वीरें अन्नकूट महोत्सव के दौरान की हैं, जब गुजरात के वडोदरा स्वामी नारायण मंदिर में भगवान स्वामी नारायण को एक साथ 1500 से ज्यादा व्यंजन परोसे गए। इतना ही नहीं, भगवान स्वामी नारायण के सामने तरह तरह के ड्राई फ्रूट्स के अलावा नमकीन, दालमोठ, बिस्किट्स, पाव और तरह तरह के पकवान परोसे गए। अन्नकूट महोत्सव का ये नज़ारा बेहद ही भव्य और आकर्षक है। दरअसल वडोदरा के बाप स्वामी नारायण मंदिर में गुजराती नववर्ष के दौरान हर साल होने वाले अन्नकूट महोत्सव को बेहद धूमधाम से मनाया गया और 500 से ज़्यादा हरिभक्तों ने मिलकर भगवान के सामने 1500 से ज़्यादा व्यंजनों की भोग लगाई। अन्नकूट उत्सव यहाँ ये महत्व है वैष्णव संप्रदायों में, सनातन धर्म के हमारे संप्रदायों में, कि जो नई फसल हुई है आषाढ़ी साल की, वो हम भगवान को भोग धराते हैं। आज 1500 से भी ज़्यादा शाकाहारी वानगी का भोग भगवान को यहाँ धराया है। सभी बीएपीएस मंदिर देश प्रदेश में यह उत्सव मनाते हैं, ये भावना से कि ये भोग भगवान को धराते हैं, बाकी की फसल हमारी पवित्र हो जाती है और पूरे वर्ष तक हम ये पवित्र प्रसाद भोजन अंगीकार करते हैं। गुजराती नववर्ष का कुछ ऐसा ही नज़ारा गुजरात के नवसारी बाप स्वामी नारायण मंदिर में भी दिखा, जहां पूरा मंदिर परिसर रंग बिरंगी रोशनी से जगमग दिखा। तस्वीरें देखिए, मंदिर की सजावट ऐसी है कि इसकी चकाचौंध में आप खो जाएं। झिलमिल करते लाइट्स बेहद ही आकर्षक नजर आ रहे हैं। दिल्ली में